रोहित शर्मा यो-यो टेस्ट में हुए फेल तो इस बल्लेबाज को मिलेगा रोहित की जगह। बीसीसीआई ने नाम किया घोषित। भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करने वाली है, जिसके लिए रोहित शर्मा को अभी यो-यो टेस्ट को क्लियर करना बाकी है। इस कारण उनकी जगह टेस्ट के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को इंग्लैंड दौरे के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है, क्योंकि अगर ये रोहित इस अनिवार्य टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उन्हें वनडे और टी20 में मौका नहीं दिया जाएगा। बता दें कि यो-यो टेस्ट एक फिटनेस टेस्ट है जो भारतीय खिलाड़ियों में जगह पाने के लिए सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। क्रिकेट के खेल की विकासशील तीव्रता और ड्रेसिंग रूम में फिटनेस की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कप्तान विराट कोहली के सामने से आगे बढ़ते हुए रविवार शास्त्री और भारतीय टीम प्रबंधन ने अपना यो पैरामीटर 16.1 सेट किया है। इन दिनों भारतीय क्रिकेटर इंग्लैंड के लंबे के लिए यो-यो परीक्षण से गुजर रहे हैं। रोहित अपनी फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं और बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में टेस्ट देने को तैयार है। रिपोर्टों से पता चलता है कि रोहित पिछले महीने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान यो-यो परीक्षण में दो बार विफल रहे, और इसीलिए रोहित अगर यो-यो टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह रहाणे को तैयार रहने के लिए कहा गया है। हाल ही में सुरेश रैना को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बाती रायडू के बदले टीम में शामिल किया गया, जो इसी टेस्ट को क्लियर करने में नाकाम रहे थे। हालांकि आईपीएल के 11वें सीजन में रायडू ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 602 रन बनाए थे, इस कारण इनकी वापसी हुई, लेकिन यो टेस्ट के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हिटमैन रोहित शर्मा भी अंबाती रायड्डू, मोहम्मद शमी और संजू सैमसन के बाद यो टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और रहाणे को स्टैंड बाय के तौर पर रखा गया है। अब देखना यही होगा कि क्या रोहित इस अनिवार्य टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।